एक बार एग्जाम्स होने थे, फिर करता हूँ अपलोड। हाँ, करूँगा अपलोड करूँगा। अरे एग्जाम्स चल रहे हैं, थोड़े से वो करता हूँ, करूँगा करूँगा वीडियो अपलोड कर, बस थोड़ी सी देर एग्जाम्स बाकी हैं, बस फिर करता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। That's right guys, अभी मेरे एग्जाम्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कॉलेज के चलेंगे 8th तक। सो अपेरेंटली उन्होंने एक सब्जेक्ट को दो हाफ्स में तोड़ के आज 9th को भी एक पेपर कर दिया था। तो आज 9th जनवरी को मैंने कहा कि चलो पेपर खत्म हुए तो फाइनली जो प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आता हूँ। सो इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को इफ यू फाउंड द कंटेंट यूजफुल इन एनी वे। तो आप सबको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कौन सी वीडियो आप चाहते हैं। 1st जनवरी को जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपसे बोला था कि जाके उस पोस्ट को वहां पे अपने मनचाहे टॉपिक को फिल कीजिए और जिस टॉपिक पे आएंगे सबसे ज्यादा लाइक्स या सबसे ज्यादा कमेंट जिस टॉपिक के बारे में आएंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स चेक आउट कि कौन से टॉपिक को मिले थे सबसे ज्यादा वोट्स। तो जो कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं वो सुयोग बोस्कर ने किया था। उसमें ओरिजिनली तो लिखा था भैया मेरे को आपके नोट्स चाहिए, इस चक्कर में सबने बोला कि चलो इसको लाइक लगाते हैं, नोट्स मिलना किसको बुरा लगता है, तो सबने इसको लाइक कर दिया था। फिर सुयोग ने देखा कि इसमें लाइक्स हैं तो इसने ये लाइन भी डाल दी वहां पे, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन फेस्टेड क्लास 11th एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट। तो इस वीडियो में मैं वो चीज नहीं कवर करूंगा क्योंकि लेजिटिमेटली जो वोट्स आए थे वो नोट्स के लिए ही आए थे। लेकिन हाँ सुयोग, मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी कि अगर आपने अपनी 11th वेस्ट कर दी है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं किसी भी फॉर्म की, आपको समझ नहीं आ रहा है गाइडेंस कहाँ से मिलनी चाहिए, देन आई एम हियर फॉर यू और वो वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगा। बट लाइक प्रोमिस्ड, इस वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए हैं नोट्स। अब कौन से नोट्स अपलोड करे हैं, मैंने अपने सारे नोट्स गो थ्रू करे, जो भी कंटेंट मेरे को लगा आपके जेई मेंस के लिए इस टाइम पे यूजफुल होंगे, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ जैसा कि प्रॉमिस किया है, जितने भी अच्छे नोट्स हैं मेरे पास मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उनको चेक कर सकते हैं, वेरियस टॉपिक्स के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, कुछ जेई मेंस के शॉर्ट नोट्स हैं, साथ ही आपके लिए मैंने कुछ जेई एडवांस के भी थोड़े बहुत डाल दिए हैं। लेकिन इन नोट्स को मैं फिर से अपलोड करूंगा आपके जेई एडवांस के टाइम पे, थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके कि इन नोट्स की क्या खासियत है, क्या इससे आप बेनिफिट कर सकते हैं। एंड फॉर नाउ यू कैन गो चेक आउट दीज नोट्स एंड वट एवर यू थिंक विल बेनिफिट यू, आप जरूर जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने बहुत सारी सोर्सेज से इनको बनाया है, कुछ मैंने यूट्यूब से बनाए हैं, कुछ मेरे अपने फिटजी के टीचर हैं फिटजी गुड़गांव के, उन्होंने बनवाए हैं, कुछ मैंने अन अकेडमी से, कुछ वेदांतु से, बहुत सारी जगहों से ये नोट्स बने हुए हैं। तो अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, आपको इसमें चूज करना है कि आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या आपके नोट्स में नहीं है उनको अपने नोट्स में डाल लीजिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इन नोट्स को गो थ्रू करें एंड आई एम श्योर ये नोट्स आप सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। सो मेक श्योर यू चेक आउट दोज नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। गाइस, अब हम जब जेई के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आप सब जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि कितने सारे सोर्सेज हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं, कहीं पे आप अन अकेडमी पे चले जाइए, वेदांतु पे चले जाइए, कहाँ जाए हम कहाँ से पढ़े। तो इस चीज का डिसीजन एक बच्चे के लिए लेना मेरे को पता है बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि मेरे को आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती है इंस्टाग्राम पे और आप सब लोगों को एक ऐसी चीज की जरूरत है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, सही एक ऐसा इंसान आपको बता सके कि आपको क्या करना चाहिए जो खुद वो सारी चीजें कर चुका है। तो फॉर दिस आई केम अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है JEE Carnot। तो JEE Carnot क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पर्सनल मेंटर जो आप लोगों के साथ पूरी आपकी JEE की जर्नी तक रहेगा। तो अब वो बंदा खुद IITian होगा तो वो आपको ये तो जरूर बताएगा कि उसने कैसे IIT क्रैक किया, उसने क्या क्या फॉलो किया था, लेकिन साथ ही वो आपको हर स्टेज ऑफ प्रेपरेशन पे हेल्प कर सकता है। तो भले ही अब मेरे को जानना हो कि मेरे को ये वाला चैप्टर कहां से पढ़ना है, या फिर मेरे को जानना हो कि इसके बाद मैं कौन से टेस्ट पेपर सॉल्व करूं, किसी भी फॉर्म की गाइडेंस, मैं भैया बीमार हो गया, मेरा ये चैप्टर छूट गया, यहां पे मैं लैग कर रहा हूं, 11th मेरी वेस्ट हो गई, तो इन सारी चीजों के लिए आपके पास एक पर्सनल मेंटर आ जाएगा। तो मैंने बात करी उनके CEO और फाउंडर से और मुझे पता चला है कि आप लोगों को आएगी एक फ्री कॉल रजिस्टर करने पे एक IITian से जो आपको बताएगा कि कैसे आप अपना JEE का एग्जाम एकदम फोड़ सकते हैं, और ऐसे ही मेंटर्स JEE Carnot आपको प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से उठाइए कूपन,
तो पहले 200 लोग इस कूपन को यूज करेंगे, उनको प्रायोरिटी पे ये कॉल मिलेगी और बाकी लोगों को भी ये कॉल मिलेगी, एक फ्री कॉल IITN से जो आपको बताएगा कि कैसे आप फोड़ सकते हैं JEE को। तो जल्दी से चाहिए और रजिस्टर कीजिए JEECarnot.com पे। सो गाइज, लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आज से इस चैनल पे मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, आई एम कॉलिंग इट द दिल से सीरीज। इसमें मैं मोस्टली आप लोगों की एक एक क्वेरीज उठाया करूंगा या फिर हम किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैं अपनी स्टोरीज शेयर करा करूंगा, अपनी JEE की, नीट के बच्चों के लिए कोई स्टोरीज शेयर करूंगा, अपने बोर्ड्स की कोई स्टोरीज शेयर करूंगा, स्कूल से रिलेटेड स्टोरीज शेयर करूंगा, या फिर हम किसी गेस्ट को बुलाएंगे इस शो पे और उसके साथ हार्ट टू हार्ट बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी प्रेपरेशंस करी थी, कैसे उनको प्रॉब्लम्स आई। सो ओवरऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग सीरीज होने वाली है। आई एम श्योर आप सब इससे बेनिफिट करेंगे, कुछ कुछ आप सीखेंगे इससे। हर स्टोरी, हर बंदा जो भी इसमें आएगा, आप उससे होपफुली कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ बढ़िया सीखेंगे। सो आज का टॉपिक फर्स्ट एपिसोड है, इसीलिए आज का टॉपिक काफी सिंपल होगा, एक नॉर्मल हार्ट टू हार्ट बात JEE 2021 एस्पिरेंट्स के साथ। सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो JEE मेंस 2021 के लिए एस्पायर कर रहा है, आप लोग अभी काफी हेक्टिक टाइम्स में होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे होंगे। आई एम श्योर बहुत लोगों ने सिलेबस खत्म कर लिए होंगे, कई सारे अपनी लास्ट स्टेज पे होंगे सिलेबस कंप्लीशन के, वो भी जल्दी खत्म करने वाले होंगे। एक अच्छा सा आप लोगों ने अपने पास नोट्स बनाना शुरू कर दिया होगा, रिविजन स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी बन गई होंगी, पेपर्स लगाने चालू कर दिए होंगे, जैसा कि मैंने आपको NTA अभ्यास रिकमेंड करी थी, आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने उसको भी अटेम्प्ट करना चालू कर दिया होगा। सो आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है स्लीप। दैट्स राइट, आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी JEE 2021 के डेज में। दिस इज बिकॉज आप इस टाइम पे अपना बॉडी का जो सबसे ज्यादा पार्ट यूज कर रहे हो वो है आपका ब्रेन। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो दिन से रात, बहुत ज्यादा आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रेन यूज होता है पूरे दिन में होपफुली। तो इस चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आराम करना, अपने ब्रेन को रेस्ट देखना, और किसी भी चीज जो बहुत ज्यादा यूज होती है उसको रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए बॉडी बिल्डर्स का जो जिम करते हैं एक्सेट्रा, वो लोग कोई भी एक मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं करते, या तो वो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स पे वर्क करते हैं एक दिन में, या फिर अगर किसी दिन किसी मसल पे वर्क करते हैं तो फिर वो उसको रिलैक्स करते हैं अगले दिन और किसी और मसल पे अगले दिन काम करते हैं, एंड सो ऑन। सो सिमिलरली गाइस, ब्रेन भी ऐसा ही एक मसल होता है जो ज्यादा यूज करने पर वो रिलैक्सेशन मांगता है, और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपका दिमाग फिटीग हो जाएगा, व्हाट वी यूज टू कॉल ब्रेन क्रैम्प्स। बहुत ज्यादा ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए JEE की प्रॉब्लम है, बहुत हमने तो कैलकुलस लगा ली, इस पे गंदे गंदे से लंबे लंबे इक्वेशन सॉल्व कर लिए, लास्ट में आके हमने जी यहाँ पे 2+2 को 2 लिख दिया, खत्म हो गया सवाल, 0 आ गया, मेरे इंटीजर टाइप था, 4 लिख के आना था, 2 लिख दिया, सारा कुछ मैंने सही सॉल्व किया, ये क्या हुआ। तो ये सब इसी चक्कर में होता है, क्योंकि आप लोग अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवरवर्क कर रहे हैं आप अपने आप को। तो ये बिल्कुल भी ना कीजिए, ये टाइम बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा ओवरवर्क करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अब सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूँ, 6 घंटे सो रहा हूँ तो अब मेरा बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा पढ़ रहा हूँ। सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स गाइज, क्योंकि मैंने जितनों से भी मेरे पर्सनल फ्रेंड्स बहुत अच्छा अच्छा रैंक लेके आए हुए हैं JEE एडवांस में, और हम सब मोस्टली जो लोग थे बहुत अच्छे से अपनी 7 से 8 घंटे की नींद इवन एंड डेज तक, आप बोलेंगे शायद कोविड था, डिले हो गया था इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने फर्स्ट JEE मेंस भी जनवरी में दिया तो मोस्टली सब लोग जो अच्छे रैंक्स लेके आते हैं उनका फिक्स्ड होते हैं स्केड्यूल्स, उनके स्लीप पैटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। एक अच्छा स्केड्यूल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम में, ताकि आपका ब्रेन सही टाइम पे फंक्शन कर सके और अपनी फुल कैपेसिटी पे फंक्शन कर सके। सिमिलर इज द केस फॉर पीपल टारगेटिंग JEE 2021 एडवांस। ऐसे कई बच्चे होंगे जो शायद मेंस पे ज्यादा फोकस ना कर रहे हों, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एडवांस ही फोड़ना है, तो एडवांस के लिए फोकस कर रहे होंगे। तो ऐसे लोग भी अपने आप को ओवरवर्क ना करें, अपनी 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, मैंने अभी बताया क्यों वो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये लेते रहेंगे then you will be able to learn more, you will be able to understand more, आप better solve कर पाएंगे questions को, और वो फालतू की सिले mistakes नहीं करेंगे आप। So make sure आप अपनी sleep अच्छे से लें। साथ ही guys, इस time पे आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझिए। I know काफी मुश्किल है हम सबके लिए ये times, because अभी भी coachings mostly लोगों की नहीं खुली हुई है, टीचर्स के साथ आप ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं, तो एक
सेंस ऑफ कनेक्टिविटी आई नो कहीं ना कहीं कम है, और आप हो सकता है अपने आप को अकेला फील करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, रैंक ना अच्छा आता हो, हम डाउन फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, अपने आप को फील करते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बट इस टाइम पे आपको बहुत जरूरी है अपने आप को कंटेन रखना, हौसला बनाए रखना एंड तक, बिकॉज दिस इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। आई एम श्योर आपने ये बात कई बार सुनी होगी, लेकिन आप इस चीज पे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, एम्फेसाइज नहीं करते हैं, इसको समझते नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको ये रीइटरेट कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, और बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझिए। मैं यहाँ पे YouTube पे हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके पास, आपके पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप बात कीजिए, अंडरस्टैंड करेंगे आपको सब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है गाइस। तो अभी तो ये था, आज हमने बात करी JEE मेंस और JEE एडवांस 2021 के एस्पिरेंट्स से। जल्दी ही लेके आऊंगा दिल से सीरीज का एपिसोड नंबर 2, एक नए टॉपिक के साथ, बाकी लोगों के लिए भी लेके आऊंगा, NTSC के बच्चों के लिए, बोर्ड्स के बच्चों के लिए, KVPY के बच्चों के लिए, सबके लिए ये सीरीज चलेगी, होपफुली सारे लोग इससे बेनिफिट करेंगे। सो गाइस जाओ डिस्क्रिप्शन में, नोट्स उठाओ, JEE CarnOT के बारे में उठाओ, देखो आपको जरूरत है उसकी, तो जल्दी से 200 लोग उस कोड को यूज करके वहां पे रजिस्टर कर लो। JEE 2021 के एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट अपनी प्रेपरेशन के लिए, एकदम टॉप गियर, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आजकल फरवरी आ रहा है, बोर्ड्स आ रहे हैं, एडवांस आ रहा है, पूरी तैयारी अच्छे से लग जाइए गाइस। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, न्यू वीडियोज आर कमिंग अप सून ऑन दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहे हैं, कोरा पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा कोरा का पेज देख रहे हैं। Now I'm back, तो अब थोड़े बहुत replies और दूंगा मैं किसी के, अगर पहले के भी रह गए होंगे तो वहां पे जाके Instagram पे आप पूछ सकते हैं मुझसे, comments are always open guys, किसी भी form की criticism, किसी भी form का feedback आपको मुझे देना है आप जरूर comments में जाके दीजिए, and that's it guys, stay safe, stay healthy, all the best.